हेलो जी, वेलकम टू मदीना। आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ मदीना का टूर कराऊंगा, जो क्या है हॉप ऑफ हॉप ऑन वीडियो। उसके अंदर क्या होगा जी, मैं आपको मदीना का साइट टूर कराऊंगा, जो क्या है सिटी साइट सीनिंग अल मदीना हॉप ऑन हॉप ऑफ के थ्रू। ये डबल डेकर हमारी बस है, इसका मैं टूर कराऊंगा। ये जो बस है ये जाएगी और तकरीबन 12 मकामात के ऊपर, 12 मकामात में मस्जिद नबवी से शुरू होकर और कुबा बुलेवर्ड तक जाएगी। तो होने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग। अगर मैं बताऊं आपको ओवरऑल चीजें इसकी, तो मेरे पास पूरी मुझे गाइड दी गई है। इस गाइड में मेरे पास प्रॉपर जो है वो मकामात है सारी लोकेशंस के, और मैं इसे एक्सप्लोर करूंगा। और एडिशनल जो चीज है वो ये है कि इसके अंदर हैंड फ्री आपको दिए गए और उसके अंदर हर लोकेशन का आपके बारे में बताया जाएगा कि उसकी क्या टूरिस्ट गाइड है और क्या नहीं है। तो आई थिंक वेट नहीं करना चाहिए, आए जी फॉलो करें। हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ टॉप फ्लोर पे, रूफ टॉप पे, जो हमारी बस है साइट सीनिंग उसके। और जो सबसे पहला स्टॉप है वो है हमारा मस्जिद नबवी, और उसके बाद जो है, अच्छा इस जो बस है उसका मैं थोड़ा सा आपको डेमोग्राफिक बता दूं। जैसे आप नीचे आए तो आप नीचे भी बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं। अभी मौसम थोड़ा सा बेहतर है, शाम का टाइम हो रहा है, तो मैंने चूज किया कि मैं थोड़ा बाहर की तरफ बैठूंगा, थोड़ा सा नजारे करता हुआ जाऊंगा, मदीना की ज्यारतें करूंगा और जो है आप लोगों को दिखाऊंगा। जो पहली हमारी जो लोकेशन हुआ है मस्जिद नबवी की, वहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद जो है वो आगे अपना सफर शुरू करेंगे। अच्छा, जो एक और इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि हमें साथ में जो एक मैनुअल दिया गया है, उसके अंदर प्रॉपर जो है वो डायग्राम और मैप मौजूद है गाइडेंस के तौर पर लोगों के लिए, ताकि लोग जो है वो समझ सके, पूरा रूट प्लान दिया गया हुआ। एक और जो मजे की चीज है वो ये है कि ये जो बस है वो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलती है, लेकिन इसका जो टिकट है वो वैलिड होता है आपका 24 आवर्स के लिए। और 24 आवर्स के साथ साथ ये होता है, लेट सपोज अगर अभी मैंने लिया है और हर स्टेशन पे 5-5 मिनट के लिए रुकेगी, लेट सपोज अगर मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मस्जिद कुबा को, तो मैं वहां पर उतर जाऊंगा और मैं मस्जिद कुबा को एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद हर आधे घंटे में एक बस जो है उस स्टॉप पर आएगी। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। इसके साथ साथ वाईफाई जो है वो फ्री है, आप वाईफाई को एक्सप्लोर करें, घर वालों से बात करें, चिट चैट करें, आप बोर नहीं होंगे। इसके साथ साथ जो मजे की चीज है वो ये है कि एक हैंड फ्री दिया गया है, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखें जी 16 डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो आप यहाँ पे हैंड फ्री के थ्रू सुन सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या गाइडेंस आपको मिल सकती है। लेट सपोज आप मस्जिद नबवी में गए तो उसकी तारीखी हैसियत और क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है वो आपको इस हैंड फ्री के थ्रू पता चलती रहेगी। तो बहुत मजे का सफर होने वाला है। अभी हमारी बस जो है वो इज अबाउट टू टेक ऑफ, व्हाट आई से, क्योंकि मुझे जेट लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो है ना वो बिल्कुल टेक ऑफ के लिए रेडी है। हम फिलहाल पहुंचे हैं स्टॉप 2 पे जन्नतुल बकी पे, और ये अल बकी जो है वो कहलाता है स्टॉप। और जन्नतुल बकी के बारे में जो कंप्लीट डिटेल वीडियो है वो आप, मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और उसको आप देखें, एक्सप्लोर करें। और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ सहाबा कराम की जो है वो कब्र मुबारक है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लोग हजरत फातिमा, हजरत अली, इसके साथ साथ आपका लहसन के चचा और बाकी जो कजन वगैरह हैं उन सबकी जो कब्र मुबारक है वो यहीं पर ही है। तो आना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए जन्नतुल बकी भी, और कुछ बदरी साहबा कराम भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर अभी मैं उतरा नहीं हूँ, और मस्जिद नबवी भी मैं आप लोगों को टूर पूरा करवा चुका हूँ,
और रैबल जन्ना का भी, उसका भी लिंक जो है मैं अभी यहाँ पर दे देता हूँ ताकि आप लोग जो है उसको देखें। और अलबकी के बाद जो है हम मूव फॉरवर्ड है अपने तीसरे स्टेशन की तरफ। अच्छा, अलबकी पे जब आते हैं तो आपके पास जो है वो शरिया कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है और होली कुरान एक एग्जीबिशन जो है वो उसके लिए भी आपके पास पूरा एरिया है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम जो है स्टॉप 3 पे पहुंचे हैं। स्टॉप 3 जो है वो अल मनाका स्क्वायर कहलाता है। अल मनाका स्क्वायर पे अगर आप देखें पीछे जो है मेरे पास मस्जिद खमामा है और ये आपको नजर आ रही है, और इसका भी कंप्लीट डिटेल टूर जो है वो आपको मैं लिंक पे दे दूंगा। और मैंने पूरा इनसाइट से इसकी वीडियो पहले बनाई थी तो आप लोग बिल्कुल देख सकते होंगे। ये मस्जिद खमामा है और इसी के बैक साइड पे जो है वो मस्जिद अबू बकर है। इसके साथ साथ जो है इस पे स्टॉप पे आप जो एक्सप्लोर कर सकते हैं मस्जिद इमाम अली को कर सकते हैं, मस्जिद उमर बिन अब्दुल खत्ताब, और इसके अलावा डेट मार्केट यहाँ पर है। अगर जो लोग आते हैं पाकिस्तान से या दूसरे किसी जगहों से तो खजूरें आप लोगों को खरीदनी होती हैं तो आप लोग को यहाँ से मजे से खरीद सकते हैं। लोग नमाजों के लिए जा रहे हैं, ये यहाँ पर मगरिब का टाइम होने वाला है तो लोग जो है वो मस्जिद नबी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। हम जो है वो अगले स्टॉप पे नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जी कुबा कॉम्प्लेक्स है, मस्जिद कुबा के लिए जब जा रहे होते हैं तो ये पैदल का रास्ता है। इसकी भी डिटेल वीडियो जो है वो आपको लिंक पर मिल जाएगी जो कि मैंने बनाई थी। अभी जो है वो हम अल सलाम गेट की तरफ जो है वो जा रहे हैं तो ट्रैफिक बहुत है और मगरिब का भी टाइम हो रहा, हो सकता है हम वहाँ पर रुक के जो है वो नमाज वगैरह भी पढ़ें और उसके साथ साथ जो है वो आगे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी है। पीछे आप पूरा शहर देख रहे हैं, वो वहाँ पे आपको अंडरपास भी दिख रहा है ओवरऑल। Now we are moving towards Al Salam Gate, the spot number 4. और यहाँ पे जो है वो हम जो है Al Salam जो गेट है बेसिकली वो रोज़ा रसूल और जो रियाज़ुल जन्ना है उसके करीब है, तो इस वजह से जो है वो इसके लिए एक स्पॉट जो है वो स्पेशली है, वरना आप जो नंबर वन स्पॉट है आपका जो जहाँ से बस स्टार्ट होती है वहाँ से भी मस्जिद नबी आती है, तो ये स्पॉट इसलिए इम्पॉर्टेंट है सलाम कि यहाँ से रोज़ा रसूल अगर आपको जाना हो, अगर उस वक्त का टाइम हो तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो रियाज़ुल जन्ना के लिए जो डिटेल मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगा ताकि आप लोग देख सकें उसको। तो मैं असलाम गेट पर नहीं उतरूँगा, लेकिन ये कि मैं ये थोड़ी सी नॉलेज थी मैं आप लोगों को दे दूँ। तो उसके बाद यहाँ पर स्पॉट हमारा जो है वो 5 मिनट्स के लिए गाड़ी रुकेगी, उसके बाद हम जाएंगे अपने 5th स्पॉट की तरफ जो कि है ओहद बैटलफील्ड। अच्छा, इसके अलावा जो एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि इस गेट पर जब आप आएंगे तो जब आप स्टे करें तो आपके पास 3-4 चीज़ें और हैं। एक तो असलाम म्यूज़ियम है जो कि अभी न्यूली बिल्ट हुआ, आप लोग वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आप सकीफा बनी सैदा जो है वो उधर बैक साइड पर अगर आप देखें तो वो पूरा एक बना हुआ है, तो वो पूरा बाग है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का है, वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो मस्जिद अद्दार है एक, वो तो ये स्पॉट्स हैं असलाम गेट के जो नियरेस्ट हैं, तो असलाम गेट से आप यहाँ पे भी जा सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो अब हम जा रहे हैं ओहद के मैदान की तरफ और वहां पे जो है वो ओहद का पहाड़ है और उसके साथ साथ 14 ओहद के जो है वो कब्रिस्तान है, उसके अलावा एक मस्जिद 14 है और इसके अलावा
जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को गज़वा-उहद के दौरान जो है वो एक चोटी के ऊपर रुकने को कहा था, और उसके बाद फिर जब मुसलमानों की जो है वो जीत थोड़ी सी आने लगी काफिरों के ऊपर, तो उस वक्त जो है वो जो हमारे सहाबा कराम थे उन्होंने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को दरगुजर करते हुए वो नीचे की तरफ आए, और फिर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे वो पीछे से आए, और आने के बाद जो है वो इन तीन अंदाजों के ऊपर जो है वो हमला किया, और फिर इस जंग में मुसलमानों को अच्छा खासा नुकसान और शिकस्त का सामना हुआ, और इसमें अच्छे खासे जो नामवर सहाबा जो है वो शहीद हुए, जिनमें सरफहरिस्त अगर मैं कहूँ तो हज़रत अमीर हमज़ा शामिल है। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं, आपको सिटी टूर भी कराते हैं साथ साथ, और बहुत कभी आपको डिटेल जो है वो बताते हैं। जी मैं आ गया हूँ, अब मैं अपनी कोई जगह देखता हूँ, वहाँ पे सुकून से बैठता हूँ, और उसके बाद जो है तकरीबन कोई 5 मिनट में ड्राइवर कह रहे हैं कि हम यहाँ से दोबारा से चलेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 स्पॉट मैं स्किप करूंगा, लेकिन आपको साइट सीन जरूर कराऊंगा बस के अंदर से, और उसके बाद जो है वो गज़वा खंदक वाली जगह पे जो कि अब मस्जिद भी बन गई है वो विजिट करेंगे। अच्छा जी, ये आज का दिन है, और ठीक है फ्राइडे को जो है यहाँ पर यूजली जो है वो शॉप्स वगैरह जो है वो फर्स्ट काम पर क्लोज होती है, तो वैसे भी मुझे शॉपिंग तो करनी नहीं थी, लेकिन ये अंदरूनी मॉल है, और ये जैसे कराची में हमारे प्रीमियम मॉल्स होते हैं, तो ये मदीना का इट इज वन ऑफ द प्रीमियम मॉल, और यहाँ पर मुख्तलिफ इंटरनेशनल ब्रांड्स मौजूद है और लोकल ब्रांड्स मौजूद है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक फूड चेन भी दिख रही है, तो ये है, यहाँ पर हम उतरेंगे नहीं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हैं सुल्ताना पे हम आ चुके हैं, और ये देखें चोको कैफे यहाँ पर है, इसके अलावा डिफरेंट ब्रांड है। अच्छा ये सिर्फ यहाँ नहीं है, अगर आप देखेंगे तो मेरे राइट साइड पे भी ये हार्डीज जैसा आ गया, और डिफरेंट और भी ब्रांड आपको दिखेंगे खाने पीने के यहाँ पर है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ आऊँ दोबारा तो यहाँ एडिडास और इस तरीके के और भी ब्रांड जो है वो है खाने पीने के भी, और साथ साथ ये मैंने कल ये मैंने अभी जो है वो एक्सप्लोर किया ही है, ये है जारिर बुक स्टोर, और बहुत जबरदस्त बुक स्टोर है, इसका मैंने रिव्यू भी सुना है कि बहुत जबरदस्त बुक स्टोर है इसका, यहाँ पे बुक्स भी मिलती हैं, ऊपर लाइब्रेरी सॉर्ट ऑफ भी है, डिजिटल बुक्स भी हैं। ये हमारे स्टॉप है 7th, हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो ये रात में इसका जो नज़ारा होता है मैं कोशिश करूँगा रात में ही विजिट करूँ, और उसकी भी वीडियो आप लोगों से इसी के साथ ही कंटिन्यू करूँ और वो आपसे शेयर करूँगा। तो हम यहाँ पर अपने 7th स्पॉट पर रुके हुए हैं, ये रात का जो व्यू होता है इसका बहुत खूबसूरत होता है, और लोग भी होते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि रात के कुछ क्लिप्स भी इसके अंदर अपनी ऐड करूं, और जैसे अभी मैं बात कर रहा था ये स्टारबक्स भी आपको दिखेगा यहाँ पर मेरे बैग पे, और डिफरेंट पोस्ट जो है वो आपको खाने पीने की चीजें मिलेंगी यहाँ पे, देखें वर्जन मोबाइल है इंडिया का जो उसका ब्रांड भी है, इसके साथ साथ KFC और डिफरेंट और भी जो है वो आपको मार्केट मिलेंगी। बहुत खूबसूरत बैंक वगैरह भी है। वो दूर से जो मीनार नजर आ रहे हैं वो मस्जिद अल खंदक है,
और वो बिल्कुल ही अंदर के मकाम पर है, तो वहाँ हमें जाना है। रास्ता हमारा चल रहा है ओवरऑल जी। हम अपने एक और स्पॉट पर पहुँचने वाले हैं और ये अभी हमने टर्न लिया है मस्जिद अल खंदक के लिए, और यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। वो मेरे बैक साइड पे आ रही है अगर आप देखें ये जी। आज जुम्मा भी है तो रश भी ज्यादा है। रज़वा खंदक के बारे में थोड़ा सा डिटेल भी आपको बताएंगे और यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वन करेक्शन, इट्स मस्जिद किबलतैन। खंदक जो है हमारा नेक्स्ट स्टॉप है और यहाँ पर हम पहुंच गए। तो सबसे पहले मस्जिद किबलतैन के बारे में थोड़ा सा जो है वो जानेंगे। मस्जिद किबलतैन बेसिकली वो है जहाँ पर आप को आयत नाज़िल हुई थी किबला चेंज की। पहले मस्जिद अक्सा की तरफ हम नमाज पढ़ के की तरफ मुंह करके इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे। अब उसके बाद जो है फिर हमारा जो है वो किबला चेंज हुआ, तो ये हमारा मस्जिद किबलतैन है। और ये वो वाहिद मस्जिद है जिसके अंदर दो मेंबर है, एक मस्जिद अक्सा की तरफ और एक खाने काबा की तरफ। तो इसको अंदर से देखते हैं। सो हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ मस्जिद किबलतैन। और जैसे अभी मैंने बताया कि इसकी हिस्ट्री ये है कि ये वो जगह है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल होती है किबला चेंज करने की। अच्छा जी, मैं हूँ मस्जिद किबलतैन में और अभी जो है वो मस्जिद की सफाई जा रही है। कुछ लोग जो है वो नमाज के लिए आए हैं और खूबसूरत इंटीरियर बनाया हुआ है। अगर आपने मेरे बैक साइड पे भी देखें और खूबसूरत वाइट और जिसे कहते हैं क्रीम कलर का जो है वो इंटीरियर बना हुआ है और बहुत ज़बरदस्त जो है वो आयतें जो है वो लिखी हुई। तो इंटीरियर आपने देखा जो मैंने आपको दिखाया, बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा। यहाँ पर जब भी कोई आए मदीना तो एक दफ़ा ज़रूर आए। अगर ये आप देखेंगे मेरे बैक साइड पर, ये अभी खाने काबा की तरफ जो है वो सिम के ऊपर जो है वो बना हुआ है। और अगर मैं पुराना किबले की बात करूँ तो ये पुराना देखेंगे आप कि मेंबर जो नज़र आ रहा है, पहले मस्जिद जो है वो इस तरफ से थी और ये वाला जो मेंबर है वो इस्तेमाल होता था बैतुल मक़द्दस की तरफ का। तो उन्होंने कम्प्लीट 360 का चेंज जो है वो हुआ और अब मेंबर जो है वो ये है। ये था मेरा शॉर्ट सा टूर मस्जिद किबलतैन के लिए और अब जो है वो देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्पॉट क्या है। आई होप इट्स अल खंदक। तो वहाँ पर चलते हैं मस्जिद खंदक की तरफ और वहीं पे जो है वो फिर नमाज भी अदा करेंगे जी। तो बस हमारी ये आ चुकी है, अब हम जो है वो पकड़ते हैं तैयारी अंदर जाने की। तो हम तैयार हैं जी नए स्टॉप पे जाने के लिए। अगला जो स्टॉप है वो है अल खंदक और वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ का आपको विजिट कराएंगे। ये माहौल है कुछ अभी खाली हुई हुई है बस, और फिर आपको विजिट कराते हैं, छांव में बैठते हैं कहीं जगह देख के। तो सफर हमारा शुरू हो चुका है और छांव में बैठे हैं, नाइन्थ स्टॉप की तरफ हम जा रहे हैं और तकरीबन अब तक हमने 9 जो है वो प्लेसेस जो है वो कवर करनी है और उसके बारे में जितना। तो रास्ता दिखाते हैं आपको। नहीं कर सकते चल रही है रास्ता, कहीं भेजे गए कहीं कोई चीजें हैं।
हम पहुंच गए हैं जी खंदक के मकाम पे, और यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद अल खंदक, वो भी देखेंगे। और कुछ पुराने जो है वो किले सॉर्ट ऑफ बने हुए हैं, वो भी विजिट करने की कोशिश करेंगे अगर इजाज़त दी गई तो। ये आप मेरे पीछे देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता से नजर आने शुरू होंगे। या मकबरा है रकम निजाम बल्दी है, ये कुछ इस तरीके से आ रहे हैं किले बने हुए, और ये मस्जिद अल खंदक आ गई। तो यहाँ उतरते हैं और फिर आपको विजिट कराते हैं। यहाँ पर जी हमारा ये वाला स्पॉट कंप्लीट हुआ है, अब हमारी बस आ गई है, हम जो है वो आगे चलते हैं, देखते हैं नया स्पॉट क्या है हमारा। हाँ जी, तो बस हमारी आ गई है, हम बस में बैठ गए, गर्मी थोड़ी ज्यादा थी तो मैं नीचे वाली जगह पर बैठ गया हूँ। अब जो हमारा नया स्पॉट जी वो है मस्जिद कुबा, और उसको देखते हैं और उसकी जो भी चीजें हैं वो आपको बताते हैं, रास्ता कैसा है। वहाँ पे एक कुबा एवेन्यू भी बना है, क्योंकि रोड इस तरीके का बना है कि लोग वॉक करके आपका वतन की सुन्नत को भी जिंदा करेंगे। और एक फेस्टिव सा लुक भी है, जहाँ पर डिफरेंट पार्क बने हुए हैं, बच्चों की एक्टिविटीज के लिए चीजें बनी हुई है, शॉप्स बनी हुई है, लोग आते हैं, टूरिस्ट वो जो है वो खजूर खरीद सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट चीजें खरीद सकते हैं। तो देखते हैं जी, हम जो है वो मस्जिद कुबा के लिए जा रहे हैं, और अभी हम अल खंदक से निकले हैं, मस्जिद अल खंदक से, और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन के साथ साथ चल रही है, इसलिए रोड थोड़ा जैम है और नमाज भी अभी भी खत्म हुई है, और विद इन 2-3 मिनट्स इंशाल्लाह विल बी देयर। तो फिर आपको दिखाते हैं जी। मदीना के पहाड़ है, और अगर आप देखिए और एक पूरा व्यू है यहाँ पर खूबसूरत, नीचे यहाँ पे दुकानें मॉल्स हैं जो कि अभी बंद हुए हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं, और यहाँ पर जो है वो पहाड़ चल रहे साथ साथ, और नीचे अगर आप देखेंगे तो गाड़ियाँ चल रही हैं, पूरा मॉडर्न जो है वो सिटी एक बना हुआ है। तो अभी जो है वो हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा की तरफ, और वहाँ पे इंशाल्लाह जो है वो विजिट करेंगे, आपको दिखाएंगे चीजें, तो बताएंगे कि साथ साथ डिफरेंट मॉल चल रहे हैं। इसके भी जो है ना रात में जो सीन होते हैं वो बिल्कुल अलग है, दिन की ड्यूटी बिल्कुल अलग है। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ रात के भी जो सीन्स हैं वो आप लोगों के लिए लू और वो इसी वीडियो में शामिल करूँ, ताकि आप लोग देख सकें कि रात में इसकी क्या ड्यूटी होती है। थोड़ी धूप मुझे ज्यादा लग रही है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आगे चलते हैं, और इसमें एक और स्पेस भी आप लोगों को वो भी दिखाते हैं वो बाहर से भी कैसा आता है। और ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इसमें जो है रूम बनी हुई है, एसी चल रहा है, तो अब मैं यहाँ पे बैठता हूँ ताकि यहाँ से आपको जो है प्रॉपर दिखाऊँ। ये बिल्कुल ड्राइवर के सुपर टॉप पे बनी हुई है लोकेशन, और यहाँ से सिटी आप और पिक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रंट व्यू के ऊपर आपको नजर आया। तो ये भी एक्सप्लोर करते हैं, और बस खाली होने का ये फायदा होता है। तो
मैं पहुंच गया हूं मस्जिद कुबा। इसका डिटेल जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। इसका डिटेल मैंने आपको पूरी वीडियो बनाई भी है। आप सल्लम हफ्ते के रोज जो है वो यहाँ पर आकर नमाज जरूर अदा किया करते थे। तो हफ्ते में आकर दो रकात नफिल नमाज पढ़ना वो सुनना थे। जो भी यहाँ पर आए तो दो रकात नमाज जरूर पढ़े। आप सल्लम का फरमान है कि जो बंदा उम्र हज के लिए आता है और उसके बाद फिर दो रकात नमाज जो है वो यहाँ पर पढ़ता है मस्जिद कुबा में, तो उसे जो है वो एक उम्र का सवाब जो है वो और मिलता है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। और फिर हम चलते हैं एक और नई लोकेशन पे, नेक्स्ट स्पॉट हमारा देखते हैं क्या है। और यहाँ की जो वीडियो है वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से कंप्लीट देख लें। अब हम चलते हैं अपने नए स्टॉप की तरफ और एक बैड न्यूज यह है कि हमारा अगला स्टॉप जो था हिसार रेलवे म्यूजियम, जो कि अभी अभी हमें हमारे ड्राइवर भाई ने बताया है कि वो अभी बंद है। वहाँ पर भी कोई काम चल रहा है, ये शायद फ्राइडे की वजह से, तो वो भी बंद है। अब हम जाएंगे, स्किप करेंगे उसको और कोशिश करेंगे कि उसकी कुछ इन्फॉर्मेटिव या कोई चीजें ऐड करें और आपको दिखाएं जरूर। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट स्पॉट है वो है कुबा स्क्वायर। कुबा स्क्वायर भी लगी हुआ है और हम वहीं पर उतरेंगे और उसकी भी कुछ चीजें जो है वो आपसे मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर मैं और बात करूँ तो मेरे तकरीबन 12 के 12 जो लोकेशन थे वो कवर हो गई और इस बस में मैंने इंजॉय किया और कोशिश से करूंगा। इसका जो बेसिकली टिकट है वो 24 आवर्स का वैलिड होता है। मीन ये कि अगर आपने 2 बजे परचेज किया तो अगले दिन 2 बजे तक वो वैलिड रहता है। तो आप रात में भी इसका विजिट कर सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग है सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक की अब हो गई है, क्योंकि नई टाइमिंग है, इन्होंने अभी मुझे कन्फर्म किया। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत जबरदस्त रहा और मैं चाहूंगा जो लोग आते हैं 80 रियाल्स का इसका टिकट है, जो लोग आते हैं वो लाजमी इसको बैठे दिन और रात मदीने का देखें, मदीना शहर देखें। मदीने में सिर्फ और सिर्फ कोई लोकेशन नहीं है जो कि ज्यारतों के लिए फेमस है, बल्कि मदीना शहर जो है वो कैसा है और मदीने के लोग कैसे हैं, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के जो है ना वो लोग आके रहते हैं और जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट मुसलमान भाई हमारे, तो बहुत ही मजा आता है। एक तो लैंग्वेज बैरियर होता है तो हम उन्हें अपनी लैंग्वेज समझा रहे होते हैं, वो हमें अपनी लैंग्वेज समझा रहे होते हैं, लेकिन जो मुस्कुराहट का तबादला होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस बस में बहुत जबरदस्त रहा। और कोई क्यूरी हो आपकी तो मैसेज कीजिएगा। लेकिन मैं ओवरऑल कहूंगा कि ऐसी चीजें हमारे शहर में भी हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए, उससे हम टूरिज्म को जो है हम इंक्रीज कर सकें। चले हम मेजर सिटीज कराची और इस्लामाबाद की ना बात भी करें, अगर वहाँ पर इतनी टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं भी है ऑल दो के जो है भी हमने उन्हें प्रिजर्व नहीं किया हुआ, लेकिन ये कि जो आपकी नॉर्थ बेल्ट है, जो आपका साउथ बेल्ट में गवादर की साइड जो एरियाज है वहाँ पर इस तरीके की जो चीजें हैं वो अगर आप ऐड करेंगे तो एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा टूवर्ड द टूरिज्म और एक अट्रैक्शन डेवलप होगी। और इवन ये कि लोकल लोग भी बहुत ज्यादा टूर करेंगे और फिर जो फॉरनर आते हैं जो कि हमारे गिलगित पाकिस्तान वाले एरिया में आते हैं तो उनके लिए भी एक अट्रैक्शन होगी कि इस तरीके की कोई चीज जो है वो हम इंट्रोड्यूस करें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।